अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, जहांगीर मेरे साथ हैं, हमजा और आलमगीर और देख हमारे चैनल पाकिस्तान रिएक्ट्स। तो कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, आप सबको मात्र प्यार सलाम। तो गाइस, आज एक और इंटरेस्टिंग किस्म की वीडियो आपके ले गए। ये NMF वालों की वीडियो है, लॉकडाउन लॉकडाउन के ऊपर बनी हुई। ये फनी वीडियो है समझे। एक पुलिस वाले हैं, बड़े अनोखे तरीके से सारों से पूछ रहे हैं। हर बंदे का अलग अलग तरीका है, कोई डंडों से पीट रहा है, कोई किस तरह से पीट रहा है, और अलग ही अंदाज है। तो देखते हैं इनका कौन सा अंदाज है, किस तरह से लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको कौन सा तरीका अच्छा लगता है? क्या हम लोग इस तरह समझने वाले हैं या इस तरह समझने वाले हैं? तो बताएं स्टार्ट। कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे कई कर्म योद्धाओं की वीडियो आपने देखी होगी, लेकिन आज जो वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं उसमें पुलिस वाले का चेहरा तो नहीं दिखेगा, लेकिन इस पुलिस वाले के अंदाज और डायलॉग के आप फैन हो जाएंगे। ये लड़कों को ले लो, ये दिया तले अंधेरा थाना इधर है, ये इधर घूम रहे हैं, लो गियर में। क्यों भैया, ये SIT कॉलेज कहाँ है? उनको बुला लो, उनसे पूछ लें कहाँ है। आधा किलोमीटर पास में आके बताओ ना, आधा किलोमीटर। अच्छा, उनको बुलाओ भैया, आइए बताइए, इधर आओ, इधर खड़े हो जाओ, भागना वागना नहीं, दौड़ा के मारे हो, भागा पीछे। तुम आओ इधर, तुम आओ इधर, आओ इधर, जान दो जान दो। अरे ये भी भागल लो, इसको बोलते हैं। रुक दो रुक दो, आओ यार बातें करते हैं। चार, क्या नाम है आपका? अरे आओ, क्या भाग रहा है, इसे कहते सर पे पैर रख के भागना। अब इस भटकते हुए परिंदे से हम पूछते हैं कि इसके भटकने का क्या कारण है। हा, हा, हा। हा, हा। आओ यार बातें कर लो। चार, कहाँ घूम रहे हो? वहां खड़े हो जाओ, काहे गए दोस्त? कान पकड़ लो, लठ निकाले। चलो गलती हो गई, अब से नीचे जाओ, बोलो गलती हो गई, ऊपर जाओ नहीं होगी, अब गलती हो गई, अब नहीं होगी, पूरा बोलो, गलती हो गई, अब नहीं होगी, बोलते रहो ना। हाँ, इस तरह से करने में अच्छा लगता है? नहीं, तो फिर क्यों ऐसे हरकतें करते हो बताओ? बिल्ली भी रास्ता काट दी, अब घर कैसे जाओगे? हैं? बिल्ली देख रहे हैं, आपसी के लिए तो काटी थी, आप क्या क्या आपसी के लिए तो काटी थी बिल्ली की, आप मिल जाएंगे। वेट करवा रही थी। दोस्त मेरे, घर पे रहो, घर पे रहेंगे सुरक्षित रहेंगे, है ना? घर पे रहेगा इंडिया तभी बचेगा इंडिया, समझ रहे हो, है ना? सही है। टॉमी क्यों लिखाए हो इसमें टी शर्ट में? इधर दिखाओ। अबे दिल्ली तो दिल वालों की होती है, टॉमी वालों की थोड़ी होती है। और भी कुछ लिखाए हो? इसको बुलाओ, कौन है? ओ चाचा, कहाँ चले? आओ थोड़ा बातें कर लें। चार, आओ इधर, नजर नहीं आ रहा। ये आ रहे हैं चाचा, इसको जो है। कहाँ जा रहे हो, दूर से बात करो थोड़ा। कहाँ से आ रहे हो? टाल, टाल में रहते हैं। टाल में रहते हो, पता है तुम्हें वहाँ टाल जाने का वो नहीं परमिशन। टाल कहाँ खुली है? टाल, टाल नहीं, दुकान में रहते हैं। कौन सी दुकान? टाल में। तो दुकान खुलने का है ही नहीं है, तो क्या करने गए थे वहाँ? वहाँ बैठते हैं। दूर दूर हो थोड़ा? कर्मचारी नहीं है। मैनेजर हो वहाँ के? तुम मैनेजर हो? चलो तो फिर ठीक है, वहाँ बैठने उठने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो? वहाँ सिर्फ चौकीदारी लगाइए रात की, आप दोबारा दिखना नहीं मेरे को रोड में चलते, कल तो बिल्कुल दिख मत जाना, है ना? चौकीदारी करना, सुबह निकलो, शाम शाम को निकलो, सुबह यहाँ चलो। कहाँ भैया, कहाँ घूम रहे हो? इधर आओ, घूमना इतना जरूरी है क्या? क्या काम, क्या काम से? बात करने दो पहले, बात करने दो, हमारी फिलॉसफी अलग है, पहले बात फिर मुलाकात फिर जरूरत पड़ी। तुम्हारी आवाज तुम्हारा साथ नहीं दे रही है, आखिरकार ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया तुमने? हैं? अच्छा है, घूमेंगे फिरेंगे ऐश करेंगे, पुलिस वाले ऐसे ही मंडराते रहेंगे हमारे आगे पीछे। अच्छा, हम तो कुछ भी करने की जरूरत ना पड़े, सब बैठे बैठे पुलिस कर दे, प्रशासन कर दे, कलेक्टर कर दे, SP कर दे, भाई कर दे, भौजाई कर दे, हमको कुछ ना करना पड़े। अच्छा है, कान पकड़ो, चालू करो। बोलो, अब बे मतलब नहीं निकलूंगा,
पुलिस की गाड़ी ताक ताक के नहीं घूमूंगा। अरे बेटा हमको तो आंख ही देख के पहचान जाते हैं कौन लड़का कहाँ बैठ के सिगरेट पी के मुंह पहुंच के चला आया। अच्छा कहा गुटखा खाए हो? नहीं खाए हो? गुटखा खाने आए हो? लट खाने आए हो बाहर? तो काहे की दवाई बताओ, कौन सा तुमको राज रोग हो गया बताओ? खांसी कोई रोग होता है? धट धट मुर्गा है, खांसी है। 12 से 4 दवाई लेना था, ले लेते। अभी तुम्हारा पूरा नहीं हुआ, 50 मारो जल्दी, उठक बैठक अब ना निकलना, जल्दी मारो। हेलो ठीक है, सभी अंदर हैं? सबको अंदर रखिए बढ़िया। पड़ोसियों से नाखियां मिलाना है ना, पड़ोसियों बैठक चाय पानी मत पिलवाइएगा, उसी कप में कोरोना छोड़ जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। चलिए बहुत अच्छा है, इसको बढ़िया पन्नी उन्नी लगा कर। और भैया कैसे हैं? ठीक है सर। ऐसा आप करेंगे तो हम घर में चले जाएंगे, लाइव वाइव बंद कर देंगे। नहीं सर, हम गोली लेने गए। कौन सी दिखाइए? गोली मिली नहीं सर। ऐसे नहीं चलेगा साहब, गलत बात है ये। गोली लेने गए थे, क्यों नहीं मिली गोली? तो आप दूसरे मेडिकल क्यों नहीं गए? घर में रहिए, बच्चों को क्या है, बच्चों को अगर हम खुद नहीं देंगे कोई ऐसा प्रेरणा जैसा कुछ, तो फिर कैसे प्रेरित होंगे घर में? पापा जी बाहर, लड़के क्रिकेट का बल्ला लेके बाहर, तो अब क्या आशा करें आपसे? अगली बार मौका मिलेगा? नहीं मिलेगा ना शिकायत वाला? बहुत बहुत शुक्रिया आप। चलो भैया कहाँ घूम रहे हो इतना, ऐसा करोगे रोज रोज 3 दिन हम ऐसा करोगे? हम लट दे देंगे तो फिर पीठ मलोगे? अभी तो केस से ऐसा था, केस थोड़ा बोल रहे हो। तुम तो धोखेबाज हो, हम अंदर घुसेड़ते तुम बाहर निकल आते हो। नहीं नहीं, कैसे चलेगा? नहीं निकलना है। ये देखो इनको ले गियर में, लो 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 लो, इनको पता नहीं है अभी कि कौन सी मुसीबत इनके पास से गुजरने वाली है। ले लो उतरो, कैसे हो दोस्त? आओ बातें कर लो, चार आओ इधर आओ, है इधर आओ, ले लो ले ले। कहाँ घूम रहे हो? इधर घूम ले रहे, अभी जस्ट आ रहे। कहे आ रहे हो? अपने मन के मालिक हो? ये तुम्हारा घर है? ये नहीं सर, ये नहीं है, ये करोड़ों का घर बना हुआ है तुम्हारा। और तुम ये नहीं सर, करोड़ों का घर बना है, तुम 2 करोड़ का काम कर रहे हो, बताओ तुम्हारा घर है ये? पूछे हम उनसे, तो अपना लाल शर्ट वाले चाचा जी बैठे हैं वहाँ, पूछते फिर उनसे, बताओ हैं? हैं, इसीलिए तुम जान रहे हैं। फिर अब बताओ, लट खाओगे कि उठक बैठक लगाओगे कि थाने लेके बंद कर दें? नहीं सर, गलती नहीं करी, नहीं। चलो कान पकड़ो फिर जल्दी से बोलो, अब तो होगा, अब हमको तो सुन लो यार, जज साहब का फैसला तुम सुन नहीं रहे हो। तुमने सुना है कभी? नहीं सर। साइड पे खड़े हो? अब मैं घर में रहूंगा, अब मैं घर में रहूंगा। समाज से दुश्मनी आज से बंद, अरे पूरा डायलॉग, समाज से दुश्मनी आज से बंद, बंद। अब चलो जल्दी से 10 मार दो, जब तक हम गिनती गिनने 20। चलो 2 पाइप दे दो इसको भैया को, चलो 10 या 2 जल्दी बताओ, अभी निकलोगे? नहीं सर। चलिए भैया यहाँ से चलो, दौड़ के चल। सारों को छोड़ दिया, मजे ले रहे। अच्छा मैंने एक चीज नोट किया है, तो मुझे इनका तरीका भी अच्छा लगा, और दूसरा मैंने देखा है कि इन्होंने बड़े लोगों का थोड़ा लिहाज भी किया है, उनको जैसे कान पकड़वाने का या इस तरह का कोई बात नहीं की, उनको बस यही कहा कि यार थोड़ा सा एहतियात करो भाई, आपके बच्चे हैं, आप अपने बच्चों को क्या सीख दे रहे हैं जब आप खुद ही बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, तो ये अच्छा बात था, हमको बहुत अच्छा लगा। I appreciate. किसी ने मिस कॉल भी किया है, ये पता नहीं कौन है, वैसे आपको बताऊं मैं, मुझे भी अभी के अभी जाना है, मैकेनिक का फोन आ रहा है। तो गाइस ये मुझे इनका जो तरीका है वो बहुत अच्छा लगा, और मेरे ख्याल में बहुत अच्छा इस तरीके पे ही जो है ना अमल करना चाहिए। लेकिन आप बताएं कि क्या लगता है कि क्या इन पुलिस वाले साहब का तरीका सही है, ये डंडे वाले वो डंडे वाले पुलिस वाले साहब का तरीका सही है? हो सकता है आपको भी कल को जरूरत पड़ जाए, बाहर जाना इम्पोर्टेंट हो, लेकिन आप फंसे जाके तो डंडे ही पड़ेंगे आपको। भाई मैं जब निकलता हूँ ना बिलाल, जैसे बिलालगंज के लिए मैंने निकलना है, तो मैं पूरा अपना जो है ना चाहे सेफ्टी के अलावा बैग उठा के जाता हूँ, ताकि जो पूछे पता लगे गाड़ी चेक करने जा रहा हूँ भाई, काम के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि वो काम के लिए लोगों को नहीं रखते,
उन्होंने कहा होगा कि अगर आप काम कर रहे हैं तो करें, कोई मसला नहीं है, लेकिन एहतियात करें। हम एहतियात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए मुझे भी निकलना है। शॉप्स खोलने में मना है, जाना है, शॉप बंद है, कहाँ दुकान नहीं खोल रहे, दुकान बंद है, लेकिन मैं नोट कर रहा हूँ, सख्ती कम हो गई है और मेरे ख्याल से लोग रिकवर भी काफी ज्यादा हो रहे हैं। पाकिस्तान में काफी ज्यादा रिकवरी हुई है, इनफैक्ट डेथ भी कम हुई है पाकिस्तान की, शुरू से कम हुई है, 650 के करीब लोग रिकवर हो चुके हैं, ठीक है, और रिकवरी भी अच्छी है और डेथ रेट भी कम है, 88% रिकवरी है, इंडिया का 73 है इस टाइम, वो जैसे जैसे जो है ना वो आएगा ना, पहले 73 था, अब 88 हो गया, अचानक से आज आए थे कुछ 200-250 बंदा इकट्ठा रिकवर हुआ है। और पाकिस्तान ने एक वैक्सीन भी तैयार की है, और इनफैक्ट पाकिस्तान ने उस वैक्सीन के जो है ना अमल दरामद भी शुरू कर दिया है, टेस्टिंग का, और 20-25 लोगों को उन्होंने टेस्टिंग के ऊपर लगाया हुआ है। आप ये जानवरों का टेस्ट नहीं हो रहा है, ये बंदों के ही टेस्ट है जो के लिए जा रहे हैं, मुख्तलिफ कैटेगरी के बंदों का, जिन मिसाल पता होगा इतनी कोरोना इसको ज्यादा इफेक्टिव, ज्यादा तेज है, या इसको ज्यादा इनके डेंजरस पोजीशन में है, ये थोड़ा कम है, तो हिसाब से उनको जो है ना वैक्सीनेशन की गई है। अब उम्मीद है कि बड़ा अच्छा रिजल्ट आने वाला हो, और कह रहे हैं डॉक्टर्स के बड़ा कमाल का रिजल्ट आएगा, तो मकसद ये है कि दुनिया को जो है ना इस बीमारी से निकालना है, जो भी वैक्सीन पहले तैयार कर ले, जब जो भी पहले बना के तो दुनिया को इस महामारी से बचा ले, वही सबसे बेहतर बात है। एंड कीप वॉचिंग पाकिस्तान रिएक्ट्स।